हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज अपने पास है द ऑल न्यू NS160 का रेड कलर, जो कि भाई अभी न्यूली लॉन्च करा है बजाज ने। और भाई वही अपना टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है डुअल चैनल ABS सिस्टम के साथ में। भाई एक बार पहले आप इसका कलर देख लीजिए, कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पर आपको 160 लिखा हुआ मिल जाएगा, ऑयल कूल के साथ इंजन है अपना। एंड एक बार 360 व्यू अपन ले लेते हैं इस बाइक का। यहाँ पर आपको E20 की बेजिंग मिल जाएगी। एंड भाई इसी के साथ साथ यहाँ पर एक कलर देख लीजिए भाई, काफ़ी ज़्यादा ऑसम भाई। NS सीरीज का सबसे बेस्ट कलर यहाँ पर ये रहने वाला है। दो कलर्स लॉन्च करे हैं बजाज ने NS160 में, एक ग्रे कलर और एक रेड कलर। तो भाई आज अपन इस कलर का डिटेल वॉल ग्राउंड रिव्यू करेंगे और भाई जानेंगे इस बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले तो भाई एक बार इस बाइक के आप 360 व्यू देख लीजिए। फ्रंट से कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको लुकिंग मिलती है, काफ़ी डेंजरस, काफ़ी बल्कनेस यहाँ पर आपको दे रखी है इस बाइक के अंदर। ये अपनी साइड प्रोफाइल है, यहाँ पर आपको NS160 की बेजिंग मिल जाएगी। एंड रियर से कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको लुक्स दे रखे हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस बाइक के मीटर कंसोल से। मीटर कंसोल वही अपना सेमी डिजिटल मीटर कंसोल यहाँ पर आपको मिलता है। 12,000 RPM न्यूट्रल लाइट, बैटरी वार्निंग लाइट, फ्यूल लाइट, अपनी माल फंक्शन लाइट, बजाज का लोगो यहाँ पर आपको दे रखा है। इसी के साथ गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, अपना AFED DTE जैसे फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फ्यूल लेवल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, टाइम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, साइड स्टैंड वार्निंग यहाँ पर आपको दे रखी है, RPM लिमिटर यहाँ पर आपको दे रखा है। करते हैं अगर इसके हैंडल की, तो यहाँ पर आपको मिलता है क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन पार्ट्स में यहाँ पर आपको हैंडल बार डिवाइड मिलता है। यहाँ पर आपको किल स्विच का ऑप्शन दे रखा है, सेल्फ का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। अभी एक जो साउंड भी सुनाऊंगा मैं इस बाइक का आपको। इसी के साथ यहाँ पर आपको डिपर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पास लाइट स्विच दे रखा है, इंडिकेटर का ऑप्शन, सिंगल हॉर्न का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं फ्रंट एरिया से, तो भाई यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको पूरा लुकिंग दे रखी है इस बाइक की। हैलोजन के अंदर पूरा लाइटिंग सेटअप अपना रहने वाला है। यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट्स वगैरह मिल जाएगी, अपना मेन लैंप्स रहने वाला है। यहाँ पर आपको बजाज का लोगो मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको विंडशील्ड मिल जाएगी छोटी सी। बाकी सिंगल पार्ट के अंदर यहाँ पर आपको मडगार्ड मिलता है, अभी थोड़ी बहुत चल के ये गाड़ी से थोड़ी गंदी हो रही है। डुअल चैनल ABS की यहाँ पर आपको बेजिंग दे रखी है। बात करूँगा टायर साइज की, वो यहाँ पर अपन देख लेते हैं एक बार। 100x80/17 inches के यहाँ पर आपको टायर्स दे रखे हैं। बाकी यहाँ पर आपको ग्रेमिका के कैलिपर्स, भाई बजाज की बाइक में आजकल ग्रेमिका आ रहा है, N160 में भी ग्रेमिका मिलता है। और भाई यहाँ पर आपको NS सीरीज में भी आपको ग्रेमिका ही दे रखा है। बात करूँ इसकी सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको USD सस्पेंशन ही अप साइड डाउन सस्पेंशन का सेटअप यहाँ पर आपको दे रखा है इस बाइक के अंदर। अब देख लेते हैं इस बाइक का फ्यूल टैंक एरिया। तो यहाँ पर आपको 30 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखा है। यहाँ पर आपको ब्लैक क्रोम के अंदर पल्सर लिखा हुआ मिल जाएगा। फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पर आपको दे रखा है रेड प्लस सिल्वर की, यहाँ पर आपको फिनिशिंग दे रखी है। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको जाली टाइप यहाँ पर आपको लुक्स दे रखा है, ग्राफिक्स वगैरह दे रखे हैं। नीचे आपको 160 लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड फ्यूल फिलर कैप की बात करें तो भाई वो मिलता है ब्लैक कलर के अंदर। बात करते हैं इस बाइक के इंजन की, तो यहाँ पर आपको 160cc का 4V TTSI इंजन मिलता है 5 गियर के साथ में। पावर फिगर की बात करें तो 17.2 PS की पावर मिलती है। एंड भाई यहाँ पर आपको 15 Nm का टॉर्क इस बाइक में दे रखा है। नीचे आपको इंजन गार्ड मिल जाएगा एंड 5 गियर के साथ इसका ट्रांसमिशन रहने वाला है। आप देख सकते हैं सिंगल पेडल यहाँ पर आपको गियर मिल जाएगा। एंड एक अपने डाउन जाने वाला है, चार अपने अप जाने वाले, इस टाइप से रहने वाला है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाएगा, मेन स्टैंड का भी यहाँ पर आपको सिस्टम दे रखा है। भाई एक सबसे बढ़िया जो बात है इस इंजन की, वो ये है कि यहाँ पर आपको किक का ऑप्शन भी दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किक का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर इसे देखते हैं पीछे से, तो भाई यहाँ पर आपको फुल्ली स्पोर्टी इसके लुक्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं रियर से। बाकी यहाँ पर आपको ग्रे ब्रेक्स मिल जाएंगे, अपने LED के अंदर लाइटिंग सेटअप मिल जाएगा। नॉन थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल से यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बाकी डुअल टायर हगर वगैरह यहाँ पर आपको दे रखा है पूरा सिस्टम। पीछे भी आपको ABS मिलता है 130x17 inches के यहाँ पर आपको टायर्स मिलते हैं। काफ़ी शानदार अलॉय व्हील्स रहने वाले, आप देख सकते हैं। अगर बात करूँ रियर के सस्पेंशन की, तो भाई यहाँ पर आपको मोनोशॉक मिलता है नाइट्रोक्स के साथ में, जो कि काफ़ी बढ़िया राइड क्वालिटी निकाल कर देता है। अब देखते हैं इस बाइक की सीट, ओवरऑल सीट कितनी क्या कुछ रहने वाली। तो NS सीरीज की जो सीट है ना भाई, वो थोड़ी सी हार्ड रहती है, क्योंकि भाई इसके अंदर जो प्रॉपर एक स्पोर्टी वाला फील बजाज देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ी सी हार्ड रहेगी, बट यहाँ पर जो पोजिशन वगैरह है वो नेक्स्ट लेवल आती है इस सीट से। आप देख सकते हैं इस टाइप से अपना पूरा व्यू रहने वाला है इस बाइक का। कमेंट सेक्शन में बताना भाई ये कलर आपको कैसा लग रहा है देखने में। किक का सपोर्ट मिल जाएगा भाई, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। ऑयल कूल इंजन यहाँ पर आपको मिलता है। बाकी इसी के साथ साथ अगर बात करें इस बाइक की प्राइस की ऑन रोड, भाई वो रहने वाले जयपुर के अंदर JM बजाज पर 1,65,000 रुपये ऑन रोड, वही ऑन रोड 1,65,000 रहने वाली। तो भाई उस हिसाब से काफ़ी बेस्ट ये बाइक रहने वाली, क्योंकि भाई इस बाइक के अंदर आपको USD मिल रहा है भाई। काफ़ी शानदार सस्पेंशन है, क्योंकि आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इससे, काफ़ी कॉन्फिडेंस ये आपको राइड भी निकाल कर देती है। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।